जगो और सुन कुंती के छैया ओ मौका नहीं बाण मारन को गम खाए जाए अर्जुन भैया समर करे थे तन में ओ कुंती के भगवान बोले अर्जुन ज्यादा परेशान मत हो, हमने तुम्हें समझाया है तो तुम आगे बढ़ो। करण बोले कन्हैया तो अधर्म की लड़ाई मत करो। तो भगवान बोले आज तुम्हें धर्म और अधर्म की बातें याद आ रही, सुनो। अरे ये मत कोई आई याद धर्म की करण, अरे ये मत कोई आई याद धर्म की तेरो अंत समय तो आई दादा। आज आगे बढ़ के अर्जुन ने बाण चलायो, करड़ जमीन पे गिर पड़े। जैसी जमीन पे गिरे हैं अर्जुन ने जवाब दो कन्हैया आपने वहां अनर्थ किया है। अरे आपने ये युद्ध कैसे करवाया? भगवान बोले हमसे मत पूछो, हमने हमेशा धर्म की लड़ाई लड़ी है और लड़वाई है। चिंता मत करो, आओ तुम्हें अंतिम सांसों में मैं कर्ण से मिलाता हूं। याद रखना भगवत श्रोताओं, कर्ण जमीन पे पड़े संत के वेश में भगवान और अर्जुन जब कर्ण के पास पहुंचे तो एक बात कही है कि हे बेटा कर्ण, हम आपसे कुछ मांगने आए हैं, अगर कुछ हो तो दे दो। नेत्रों से अश्रु धारा बह रही है और मरते मरते आज मुस्कुरा रहे हैं कर्ण। जवाब दे रहे, अरे प्रभु एक बात बताइए, आप जानते हैं कि मेरी अंतिम सांसें हैं, भला मेरे पास क्या रखा है? कुछ भी नहीं है, मैं सोने का दान करता हूँ, क्या चाहिए आपको? भगवान बोले तुम्हारे पास अभी सोने का दांत है। वो सोने का दांत उखाड़ा करने और भगवान को, भगवान बोले मैं झूठा लूंगा,
मैं झूठा लूंगा, एक बाण जमीन पे मारा है, पानी निकला, दांत धोया, भगवान को पकड़ाया। और जब पकड़ायो है ना, भगवान अपने बेस में आए के करड़ सो बोले के बेटा हमें माफ कर दो, मैं प्रसन्न हुआ, आप हमसे कुछ मांग लो। आंखों में आंसू लेके कहते हैं कि कन्हैया हमें कुछ नहीं चाहिए, बस इतना दे दो, आप मेरी लाश को, आप मेरे शरीर को उस जगह जलाना जहां कोई पाप न हुआ। एक बात और, पूरे जीवन में अगर भगवान सबसे ज्यादा रोए हैं किसी के लिए, तो वो दो भक्त हैं भगवान के, पहले हैं जटायु और दूसरे कर्ण। जटायु को भगवान ने अपने हाथों से जलाया था और कर्ण को भगवान ने अपने हाथों पे जलाया था। जटायु को भगवान ने अपने हाथों से जलाया था, कर्ण को भगवान ने अपने हथेली पे, हाथों पे जलाया था। बोले कर्ण मरते समय